हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज मेरे पास इन कप्स का कलेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इन कप्स को डिस्कस करेंगे कि आपके किचन के लिए कौन से कप बेस्ट रहेंगे, चीनी मिट्टी वाले या स्टेनलेस स्टील वाले। हम उनके एक एक डिटेल को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके ड्यूरेबिलिटी, उनके प्राइस के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले इस सिग्नेचर के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं उसका एक लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं श्योर करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों आइए लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये देखिए, नॉर्मली हम ये चीनी मिट्टी वाले कप्स यूज करते हैं, लेकिन इन चीनी मिट्टी वाले कप्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो सवाल उठता है वो ये है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। एक से दो बार भी अगर आपके हाथ से गिरेंगे तो अश्योरली टूटेंगे ही टूटेंगे। और बच्चे जब भी किसी को सर्व करते हैं, इधर से उधर कुछ चाय या कॉफी ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा डर ये रहता है कि हमारे हाथ से कहीं चीनी मिट्टी वाले कप गिर ना जाए या टूट ना जाए। तो दोस्तों उस चीज के ऊपर ये स्टेनलेस स्टील के कंटेनर सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लंबे समय तक रहती है। लेकिन ये जो थोड़ी सी लो क्वालिटी वाले, मैं ज्यादा लो क्वालिटी नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी जो लो क्वालिटी वाले जो ग्लास कह लें या कप कह लें, उनके अंदर ये सवाल रहता है कि इनकी जो सिंगल लेयर है वो सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि इनकी सिंगल लेयर होने के कारण की जो हीट है वो अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। जब भी हम कुछ गर्म गर्म चाय या कॉफी कुछ डालते हैं तो वो हीट ट्रांसफर होकर बाहर की तरफ आ जाती है, और जो भी इसे यूज कर रहे हैं कंज्यूमर, हमारे गेस्ट, तो उनको वो हीट महसूस होती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके अंदर भी हमें दो डिजाइन मिलते हैं, एक तो देखिए विदाउट हैंडल वाला और एक सिंगल हैंडल वाला। लेकिन आपको अगर मैं अच्छे वाले कप्स रिकमेंड करूं तो आप इन वाले कप्स की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, ये है रिच लाइफ के कप्स। रिच लाइफ के कप्स यानी बेस्ट क्वालिटी के कप्स दोस्तों। इनकी ड्यूरेबिलिटी का भी कोई सवाल हमें पैदा नहीं होता कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। पहले तो आप इनकी डबल वॉल को देखिए, ये देखिए, ये जो इनकी डबल वॉल है, इनके कारण आप चाहे इसके अंदर कितनी भी गर्म गर्म चाय या कॉफी डाल दें, वो हीट बहुत ही मिनिमल अमाउंट में बार की तरफ ट्रांसफर होती है, और जब भी हम इसे यूज करते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। आप इनके शाइनी स्टील को भी देख सकते हैं, आप इनकी मिरर फिनिशिंग को भी देख सकते हैं, और ड्यूरेबिलिटी का तो कहीं कुछ हमें क्वेश्चन ही नहीं उठा दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर आपके हाथ से एक से दो बार भी कप गिर जाएंगे तो कुछ भी हमें लॉस एज सच नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मिल्टन की थर्मोस्टील वाटर बॉटल में देखते हैं, अगर आपके हाथ से वो एक से दो बार गिर जाती है तो उसकी जो लॉन्ग रखने की कैपेसिटी है, चाहे वो ठंड गर्म पानी हो या ठंडी कोई चीज हो, वो घटने लगती है। लेकिन इन कप्स के साथ हमें बेनिफिट यही मिलता है दोस्तों कि हमें इसके अंदर हाथों हाथ हमें कंज्यूम करनी होती है दोस्तों, इंस्टेंटली हमें कंज्यूम करनी होती है, जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें इसके अंदर चाय डाल के 5 से 6 घंटे तक छोड़नी होती है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है दोस्तों। दोस्तों आइए हम प्राइस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और डिजाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका एक और डिजाइन आता है। ये देखिए, इसमें हमें दो डिजाइन मिलते हैं। स्किप डबल वोल्ड है दोस्तों, आप जिस भी वैरायटी को प्रेफर करते हैं उसका प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। मैं दोनों का एक बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी नैरो थोड़ी ड्वार्फ वैरायटी है दोस्तों, ये थोड़ी लेंथी वैरायटी है दोस्तों। इसके अंदर थोड़ी ज्यादा चाय आ जाएगी, इसके थोड़े अंदर कम चाय आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है दोस्तों। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी का कोई सवाल ही हमारे अंदर पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं 5-6 सालों से खुद इन प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। दोस्तों आइए प्राइस की बात करते हैं। तो ऐसे तो आपको पता है कि सबसे लो ड्यूरेबिलिटी इनकी होती है, तो प्राइस भी इनकी कम होनी थी दोस्तों। सबसे कम प्राइस के हमारे पास ये प्रोडक्ट रहता है चीनी मिट्टी वाला। आज इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी डिजाइन अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन मैं अगर नॉर्मल रैशनल की कंज्यूमर की बात करूं तो अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा लो रहती है। उसके बाद मैं अगर इन वाली प्राइस की बात करूं जिसके साथ हमें सिंगल लेयर आती है, तो ये भी आपको काफी ज्यादा नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएगा किसी भी रिटेलर की शॉप पर या ई कॉमर्स वेबसाइट पर। नहीं देखिए, लेकिन अगर मैं रिच लाइफ वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हाँ, ये थोड़ी प्राइस में जरूर हाइक रहते हैं दोस्तों, लेकिन ये आपके किचन के लुक को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे और आपको एक प्रीमियम फीलिंग ये यूज करते वक्त जरूर देंगे दोस्तों। इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइस मैं इनमें सबसे ज्यादा हाइक कहूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इनकी थोड़ी इनसे कम रहती है प्राइस और इनकी सबसे लो प्राइस रहती है। आप जिस भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया, आप उस प्रोटोटाइप के प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।